नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने जेपीजी इमेज को ऑनलाइन रिसाइज कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर मेरे पे एक इमेजेस है, इसकी मैं राइट बटन क्लिक करता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूँ डिटेल्स में। इसका साइज है 2248x2050, यानी कि 2248x2052। तो दोस्तों, हमें ये छोटी इमेजेस चाहिए, इनकी इसके पिक्सल्स को कम करना है, तो हम एक सॉफ्टवेयर के ऑनलाइन एक वेबसाइट के माध्यम से इन को पिक्सल्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है दोस्तों, सिंपल से एक वेबसाइट का नाम है रिसाइज पिक्सल्स, आपको जाना है इस पे। पिछली वीडियो में हमने इस पे ही आपको पीएनजी इमेजेस का बताया था, तो आप जेपीजी इमेज भी रिसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपलोड इमेज पे आपको क्लिक कर देना है एंड आप अपनी इमेजेस को सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ पर डेस्कटॉप पे आपकी इमेजेस एंड यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर डेस्कटॉप इमेजेस मिल गई फोर सोशल। ठीक है, तो कुछ सोशल वेबसाइटों पे इमेजेस साइज कम हो चाहिए तभी वो यूज होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको आप चेकबॉक्स को अनफिल कर दें, ठीक है, और या फिर 150 कर देते, मुझे 150 पिक्सल चाहिए। दोस्तों, क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या सोशल नेटवर्क की साइट यूज करते हैं, तो वहाँ पर आइकन कुछ स्पेसिक पिक्सल्स में मांगते हैं कि आप इस पिक्सल में हो, तभी इमेजेस को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपल से मुझे 150 चाहिए, तो मैं रिसाइज पे क्लिक कर देता हूँ एंड रिसाइज पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, इमेजेस का साइज छोटा हो गया है एंड गो टू डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ एंड गो टू डाउनलोड करने के बाद नीचे आपको फिर से फंक्शन मिलेगा डाउनलोड इमेज, तो आपको इस पे क्लिक कर देना। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, आपकी ये इमेजेस तैयार हो जाएगी यूज करने के लिए। तो देख लेते हैं हम इसका साइज, तो जाते हैं फिर से डाउनलोड में, तो यहाँ पर राइट बटन क्लिक करेंगे एंड डिटेल्स देखिए 151। तो इस तरह बिना फोटोशॉप, कॉरल ड्रो, अदर फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के आप इमेजेस को रिसाइज कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो आई होप आपकी वीडियो काफी हेल्पफुल लगा दोस्तों, इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने। ओके फ्रेंड।